आखिर इंडिया को नाम किसने दिया और कौन नेता हुए सबसे ज्यादा इसके नाम से नाराज? महाभारत छिड़ी है इंडिया को लेकर के, और कारण क्या है? सबसे पहले आपको ये बता दें कि कांग्रेस सूत्रों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि नामकरण कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये नाम खुद ममता बनर्जी का दिया हुआ है। आपको ये भी बता दें कि शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव RJD जो कि JDU के सहयोगी हैं बिहार में, वो ममता बनर्जी के साथ सहमत थे, लेकिन JDU को बड़ा ऐतराज था, नीतीश कुमार बिफर गए, तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार चाहते थे कि इस अलायंस का नाम हो PDA यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि ममता बनर्जी का इंडिया ज़्यादा नेताओं को भा रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी का तीखी बहस हुई नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर, और उसके बाद जो तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय नीतीश कुमार नहीं थे, लालू यादव नहीं थे, दोनों वहां से निकल गए, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीताराम येचुरी, कई मुद्दों पर ममता बनर्जी के साथ उनकी बहस हुई, लेकिन खास तौर पर इंडिया नाम से वो भी सहमत नहीं थे, जिसे लेकर उन दोनों की बहस तो हुई। इसके पहले सीताराम येचुरी का जो बयान पश्चिम बंगाल को लेकर के आया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का साथ चलना मुश्किल है, इसे लेकर भी ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई और ये कहा कि दिल्ली में दोस्ती और पश्चिम बंगाल में कुश्ती, ये फॉर्मूला उनके साथ नहीं चलने वाला है। आपको ये बता दें कि इस बैठक में खास तौर पर ममता बनर्जी का सोनिया गांधी के साथ जो पहले दिन जो एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, उस दौरान करीब 20 मिनट दोनों नेताओं की आपस में बात हुई, जिसे खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि बहुत लंबे समय बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच ऐसी वार्ता हुई है। साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के संबंध काफ़ी सामान्य हुए हैं। तो ये एक तरफ तस्वीर और दूसरी तरफ इंडिया को लेकर के घमासान, इस नाम को लेकर के नाराज़गी। दूसरी तरफ विपक्षी दल एक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कई पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। इसके पहले देखा गया था आम आदमी पार्टी, इसके पहले जो पटना में बैठक हुई थी वहां से नाराज़ होकर के अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान बाहर निकल गए थे, लेकिन उसके बाद बीच बचाओ, खासतौर पर जो TMC के सूत्र बता रहे हैं, TMC के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा बीच बचाव किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी इस बैठक में आने को राजी हुई और पहुंची भी। लेकिन इस बार जो लड़ाई हुई है, इस बार जो बहस हुई है, वो बिहार के नेता एक तरफ नीतीश कुमार, उनके साथ नाम को लेकर भी बहस हुई है, और ये भी माना जा रहा है कि कन्वेनर कौन बनेगा, इसे लेकर भी बहस हुई है। एक तरफ ये बहस और दूसरी तरफ नामकरण किसने किया इस जो गठबंधन का है, उसे लेकर भी बहस हुई है।